लेकिन पूरे ज़िले से लोग सब PHC CHC से सदर अस्पताल पहुंचते हैं। सदर अस्पताल में बहुत उम्मीद रहती है लोगों की, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। आपके डॉक्टर का तो खैर कमी है ही, आप मूलभूत सुविधा में देखें तो शुद्ध पेयजल नहीं है, इवन कि शौचालय तक नहीं है। ICU बन के पड़ा हुआ है, वो बर्बाद पड़ा हुआ है, कोई यूज़ नहीं हो रहा। आखिर कब आएगी इसकी उपयोगिता सामने? रेफर होता है, केस खाली रेफरल है तुरंत। नहीं नहीं, आप देखिए, मैं हमारी सरकार अपनी बुराई को छुपाएगी नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि पत्रकार हमारे आईना है, वो हमको दिखाएंगे, हमारी छवि बताएंगे, वो हमको कमी खामी के बारे में अवगत कराएंगे। हम पूर्ववर्ती सरकार की तरह नहीं है कि अपना गुणगान गाने के लिए और झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए हम नहीं आए हैं। हम बिल्कुल मजबूती के साथ ये कहेंगे कि यू डू अ मिस्टेक इज़ नॉट अ मिस्टेक, यू डू नॉट एक्सेप्ट द मिस्टेक इज़ द मिस्टेक, एज द मिस्टेक दैट इज़ द मिस्टेक। यदि हमसे गलती हुई है या गलती हम कर रहे हैं तो हम जरूर कहेंगे कि हाँ, यहाँ गलती है, हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम अभी सदर अस्पताल भी जाएंगे। हमारी बात आदरणीय हमारे विधायक बड़े भाई प्रदीप यादव जी से हुई, हमारी बात दीपिका पांडे जी से हुई। हम लोग यहाँ अभी DC साहब को ही बुलाया है। हम लोग यहाँ 300 बेड के हॉस्पिटल को भी प्रयास कर रहे हैं कि 300 बेड का जो हॉस्पिटल है उसके लिए हमको तो उसके लिए भी हम लोग जो है अभी DC साहब को मैंने कहा है कि उसका पूरा जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी हमको आप सुपुर्द कीजिए, और उसका कुछ पिटीशन वगैरह भी आया है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे करके हम यहाँ 300 बेड के अस्पताल को यहाँ पर बनाएं, चालू करें। उसमें एक ही बात है कि उसमें जो हमको CCL के द्वारा तो ऑपरेशन CCL के, हाँ, तो जो ऑपरेशन उसका होगा, मेंटेनेंस ऑपरेशन, हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ को उसी में समायोजित किया जाए, ताकि एक व्यवस्था में दूसरी व्यवस्था घुस के उस व्यवस्था को अवरुद्ध नहीं करे। तो इसके लिए भी कुछ कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उस पर काम करेंगे। और सदर अस्पताल में जो चीज़ की कमी है, अल्ट्रासाउंड की मशीन की कमी है, जो कमी खामी है, हम जाएंगे देखेंगे। आपको इतना ज़रूर हम कहना चाहते हैं कि हम लोग अच्छे अधिकारियों का सम्मान करेंगे, और जो अधिकारी यदि कुछ अधिकारी कोई मानवीय भूल करेंगे, गलती से कोई मानवीय भूल किया है, और जो बहुत करप्शन नहीं है जिसको टॉलरेट किया जा सकता है तो उसको करेंगे। मुंह में मक्खी अचानक घुस जाएगी तो हो सकता पेट में चली जाए, लेकिन थाली में मक्खी आ जाएगी तो उसको खाएंगे नहीं, उस चावल को नहीं खाएंगे। इसलिए यदि ऐसे अधिकारी हैं जो जानकर मेजर फॉल्ट कर रहे हैं और जान के उनको अपने दायित्वों का निर्वाह, चाहे वो हमारे सिविल सर्जन हो, चाहे हमारे और बड़े अधिकारी हो, यदि उन लोगों ने जनहित के मामले पर अनदेखी की और जान के यदि वो जनता के साथ जो है उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और करप्शन के मामले में यदि हमको पुख्ता सबूत मिलने लगेंगे तो हमारी सरकार ये ना देखेगी कि वो पक्ष है कि पार्टी है, ना हम अपना पक्ष देखेंगे, ना दूसरा पार्टी देखेंगे, और ना पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे। बिल्कुल मजबूती से सख्त कदम उठाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो प्राथमिकी भी दर्ज करके जेल की सलाखों तक भी भेज देंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि छोटा मोटा कोई गलती है, अब उसके चलते इतना प्रोसेडिंग करके इतनी मोटी फाइल बनाना, उसके लिए वो संभव नहीं। अस्पताल में सर चीज़ों की तो कमी है, लेकिन डॉक्टर की अनियमितता सदर अस्पताल में देखी जाती है। पिछले ही दिनों पड़िया हाट की एक महिला सुबह के 10 बजे डिलीवरी के लिए भर्ती हुई और रात में 10 बजे उसका डिलीवरी हुआ, जिसके कारण कि उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। और उसके बाद भी CS और DC को फ़ोन करने के बाद डॉक्टर संज्ञान लेते हैं। इसी तौर पर आप यहाँ की भी घटना बता रहे हैं, आपको याद होगा कि धनबाद में भी घटना हुई थी, और पूरे धनबाद में PMCH में किसी को नहीं मालूम था कि बन्ना गुप्ता आया है, और मैं चुपचाप जो है पहुँच भी गया था और कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया वहाँ।
अभी तो देखिए सदर अस्पताल में हमारे सीएस को भी जानकारी हो गई है और अधिकारियों को भी जानकारी हो गई है। अभी मैं जाऊंगा तो पता चलेगा साफ सफाई युद्ध स्तर पे हो रही हो, ठीक है। मैं सब चीज़ को समझता हूँ, लेकिन आपको विश्वास देते हैं दो दिन कि पहले अचानक कभी हम लोगों की आप रहेगी तब तो हम लोग आएंगे। अचानक पता चलेगा कि अचानक कभी किस भेष में हम आके बैठे हैं। आप देखिए रिम्स में हम गए थे कोई नहीं जानता था कि मंत्री आया है, लेकिन एक गरीब बेबस लाचार बुजुर्ग आदमी जिसको खून नहीं उपलब्ध हो रहा था, मैंने जाके खून दिया था। बाद में लोगों को पता चला कि खून देने वाला आदमी मंत्री है, तो हमारी संवेदनशीलता जनता के प्रति बहुत मजबूत है। इसके लिए सिर्फ मैं आप पत्रकार वृंद से भी कहूँगा कि आप हमारे हमारे स्रोत हैं, लेकिन आप कम से कम हमारे विषय को भी हमारी भावनाओं को भी आप जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जनता हम और आप तीन मिलकर सुधार की दिशा में मजबूत कदम उठाएं। अच्छा मंत्री जी, खाली आपके ये हम लोगों ने सात जगह पर जो हमारा मेडिकल वेस्ट है, इसके लिए सात जगह पर हम लोगों ने इंसिनरेटर वगैरह का और उसको व्यवस्थित करने के लिए, चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोगों को परमिशन मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है। वहाँ से जैसे ही परमिशन हम लोगों को प्राप्त होगा, ये निश्चित तौर पर ये बड़ी समस्या है और इस समस्या को समाधान करना मानव हित में बहुत ज़रूरी है। चूँकि कभी मेडिकल वेस्ट में कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ऑर्गन वगैरह या कुछ ऐसे सामान निकलते हैं जिससे संक्रमण मेजर फैलने का चांस होता है, तो हम लोगों ने सात जगह के लिए हमारी केंद्र सरकार को भेजा है। वहाँ से जैसे ही आएगा, चूँकि वो एक प्रक्रिया है, उसमें हमारा जो है प्रदूषण विभाग, हमारा मेडिकल विभाग, हमारा जो है जिला प्रशासन, नगर निगम, सारे लोगों को मिलकर उस पर जो है वर्कआउट करना है। हम लोग इस पर ध्यान देते हैं।